What's up YouTube, आप देख रहे हैं फिटनेस पंचायत। मेरा नाम है पीयूष एंड लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू सप्लीमेंट टुडे एंड दैट वुड बी प्रोस्टा। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दिस सप्लीमेंट लाइक वे लॉट ऑफ टाइम्स एंड आई हैव सीन पीपल कमेंटिंग ऑन माय नाइट्रोटेक वीडियो एज वेल अबाउट गेटिंग दिस रिव्यू डन। एंड सो मैंने सोचा कि कर ही देते हैं, राइट? सो Let's start this video with no further ado. Simple hai, ultimate nutrition iska, you know, company hai, and ProStar 100% whey, bahut purana protein, like bahut lambe time se chalta raha hai, best seller hai, itna acha ho gaya hai, start hua tha India mein, I think price tha iska 5500-5600 some 4 to 5 years back. एंड अभी जो प्राइस है जो मुझे कोट किया गया है या मैंने अपने ट्रेनर्स या जो भी मैं जिन सब जिनको जानता हूँ सप्लीमेंट वालों को उनसे पूछा है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट स्टार्ट होता है आपका 3200 से लेके आपका 4500 5200 तक जाता है, राइट? डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट पीपल यू आर टेकिंग इट फ्रॉम, राइट? सो ये है सिंपल सा एंड चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसके फ्लेवर्स के बारे में बता देता हूँ। फ्लेवर्स बथेरे हैं इसके फिलहाल इंडिया में। जो मैंने अमेजोन पे चेक किया था उसमें आपको चॉकलेट क्रीम, स्ट्रॉबेरी, वेनिला क्रीम और रास्पबेरी, आई थिंक हाँ रास्पबेरी फ्लेवर मिलता है। एंड बड़ा सिंपल सा है यार ये, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है, आइसोलेट नहीं है एज द लेबल से। इट्स अ वे प्रोटीन ब्लेंड, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे पेप्टाइड्स का। सो इट्स अ ब्लेंड, इट्स नॉट एन आइसोलेट, तभी थोड़ा सस्ता है, बट डेफिनेटली बेटर देन द मसल ब्लेज और द इंडियन कंपनीज टू बी ऑनेस्ट। इफ यू आर गेटिंग एट दिस प्राइस, वट आई गॉट इट फॉर अराउंड 3300-3400, राइट? तो अब उनके प्रोटीन भी 4200-4500 तक जा रहे हैं, राइट? सो I don't think so. That's worth investing. That's my opinion because I've used both of them. That's my opinion, right? I've used it on my clients as well. I've got reviews from my clients as well. कि भैया आपने ये भी खाया, आपने ये भी अगर खाया है, तो कौन सा आपको better लगा या कौन सा आपको muscle building में help किया? अब कईयों के comments मेरे उसमें negative भी आए थे इसके बारे में कि यार ये तो मजे ही नहीं आया। But ठीक है, दैट्स माई ओपिनियन, वट आई गॉट फ्रॉम माई ऑडियंस, वट आई गॉट, राइट? सो इसके बाद इसका न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपको बता देता हूँ क्विकली। एक स्कूप अप्रॉक्स 30 grams का है, 80 सर्विंग्स पर कंटेनर आपको अप्रॉक्स मिलेंगी, राइट? इसमें तो भैया बहुत ही अच्छी बात है, एटलीस्ट 2 महीना निकाल रहा है यार, क्या चाहिए अगर एक बार ले रहे हो आप तो, राइट? कैलरीज 120 हैं पर सर्विंग के हिसाब से जो 30 grams की होगी। टोटल फैट 1 gram का है, इसमें से सैचुरेटेड इज 0.5, ट्रांस फैट नहीं है विच इज़ वेरी नाइस। कोलेस्ट्रॉल इज 20 micrograms है, mg, सोडियम इज 30 mg, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इज 2 grams विच इज़ ऑल्सो गुड। कार्बोहाइड्रेट रहना ज़रूरी है आपको क्योंकि वो हेल्प करता है इसको डाइजेस्ट करने में। कई लोग कहते हैं कि जीरो कार्ब्स होने चाहिए, नहीं, प्रोटीन की प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन है उसमें कार्ब्स का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? सो आप कार्ब्स हमेशा लें वर्कआउट के बाद या जब भी आप प्रोटीन साथ में लेते हैं, राइट? नेक्स्ट इज डाइटरी फाइबर इज 0 विच इज थोड़ा सा ठीक, ओके। शुगर इज 1 gram विच इज वेरी गुड। इनका बस यही मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि ये मीठे नहीं होते ज़्यादा मीठे से इन द सेंस की क्या नाम है बस समझाओ कि ज़्यादा मीठा नहीं होता है। एंड सेम गोज फॉर द आइसो सेंसेशन 1, वो भी बहुत सस्ता है एंड दैट्स आइसोलेट प्रोटीन दैट इज़ वेरी नाइस एंड 4800-4900 से वो स्टार्ट होता है एंड डिपेंड्स ऑन द डीलर्स, यू नो 6000 तक जाता है। आई हैव बाय इट फॉर सम वन फॉर 4800-4900, आई थिंक सो, वो बहुत बढ़िया है, राइट? चलिए नेक्स्ट इसकी प्रोटीन अवेलेबिलिटी। वाह, दैट्स प्रीटी मच इट कि हम भैया लेते ही क्यों हैं इसको। सो प्रोटीन इज आउट ऑफ द 30 grams यू गेट 25 grams विच इज़ वेरी वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस, राइट? तो बायो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। आई डेफिनेटली थिंक यू शुड गो फॉर दिस
एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, हो गया ना मैं। देन विटामिन ए 2%, विटामिन सी 0%, कैल्शियम 20%, आयरन 2%, राइट? सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस। चॉकलेट क्रीम फ्लेवर है ये मेरे पास, बहुत अच्छा है, जस्ट मीठा नहीं है, शुगर थोड़ी कम है, राइट? ये आपको ऑलमोस्ट हर एक फ्लेवर में मिलेगा इसके, बनाना मत लेना प्लीज। दैट्स वन वे ऑफ मी, आई हैव टेकन इट फ्रॉम समबडी, आई टुक दैट स्कूप एंड इट वॉज द वर्स्ट फीलिंग। बनाना सिर्फ गेनर्स के लिए अच्छा है, प्लीज बनाना को आप वे प्रोटीन में मत डालना, प्लीज प्लीज प्लीज, राइट? तो वो भैया वो मत लेना। इसकी सिंपल सी प्रोफाइल है, जो BCAAs की प्रोफाइल है, नेक्स्ट हम उस पर चलते हैं, कि 6 ग्राम्स ऑफ BCAAs हैं इसके अंदर, ओवर थोड़ा सा जाता है, जिसमें लूसीन आपका 3192 मिलीग्राम्स, दैट इज 3.1, आइसोलूसीन इज 1.5 एंड वैलिन इज 1.2, राइट? और बाकी भी सारी ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं बोल बोल के इसको तो आपको तंग नहीं करूँगा। सो ये है इसका सिंपल BCAA कंटेंट, विच इज़ वेरी नाइस। अगेन 6 ग्राम्स आपको इसमें मिल रहा है, और बाकी 25 ग्राम का आपका प्रोटीन हो गया। दैट्स वन मेजर थिंग्स विच आर नेसेसरी, राइट? तो यही है भाई। अब ये हाँ, आई मीन दैट्स वन ऑफ द मोर मेजर आई थिंक मेजर हाँ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना है, कि इसमें लिखा है, आप देख सकते हो ग्रीन कलर का लगा हुआ है, दैट मीन्स इट्स वेजिटेरियन। नाइट्रो टेक पे मुझे बहुत सारे सवाल आए थे कि इज इट वेजिटेरियन और नॉट। देखो मेरे पास जो बॉक्स था उसमें वो था ग्रीन कलर का, लाइक आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, फेक नहीं है वो, आई हैव टेस्टेड लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन ये वाला डेफिनेटली वेजिटेरियन है, आई हैव सीन द अप्रूवल ऑल्सो ऑन द वेबसाइट एज वेल, राइट? सो वेजिटेरियन प्रोटीन है, एग्स वगैरह का कोई यूज़ नहीं है, नथिंग। इसलिए स्पेशली इस पर लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि कंटेन्स मिल्क एंड सोया विच आर वेजिटेरियन, सो डोंट वरी, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म्स जिसमें आपका चिकन और ये सब मिक्स होता हो, नाइट्रोटेक होता है, राइट? सो आई डोंट थिंक सो, नाइट्रोटेक आपका वो है। अब आए इसके कॉम्पिटिटर्स पे, तो इस प्राइस रेंज में आपका कॉम्पिटिशन मसलब्लेज और साइन्यू, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स और हैं जो देते हैं, राइट? सो कई वर्थ है नहीं है भैया, ये वर्थ ज़रूर है क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मैंने रिजल्ट्स देखे हैं इसके अपने क्लाइंट्स पे, लोगों पे, इट्स इट्स प्रीटी मच अ ग्रेट प्रोटीन, फेक का ध्यान रखना, दैट्स इट, राइट? सो ये है सिंपल सा इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू। हाँ, रिकमेंडेशन आप सभी को कर सकता हूँ, हालांकि गो फॉर आइसोलेट, बट थोड़ा सा महंगा होता है, राइट? सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो आई थिंक, एंड दिस इज वेरी गुड प्रोटीन। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, अगेन आई हैव नॉट गॉट एनी मनी फ्रॉम एनी बॉडी, इसके लिंक्स बेस्ट बाय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट टेक केयर गाइज, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, डू हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो ओवर देयर एज वेल, और बाकी भैया मौज लो जिंदगी की, और क्या है, जिम जरूर करो, 1 घंटा अपने आपको 24 घंटे में से देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? टेक केयर, हैव फन, पीस आउट।